Hi, how are you? Welcome in my new video. ये video CMA intermediate से related है और आज मैं direct text को discuss करूँगा. Actually काफी सारे students हैं जिनका question है कि वो direct text में selective study करके अच्छे marks को कैसे ला सकते हैं. तो मैं आपको chapters कुछ discuss करूँगा आपके साथ जिसको अगर आप कर लो तो आप 45-50 marks को आप achieve कर सकते हो. तो मैं one by one topics को मैं discuss करता हूँ. अगर मैं most important topic बताऊँ तो आपके heads of income है. आपको इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये पांचों हेड ना इंटर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको ये पांचों हेड तो कम्प्लीटली करना है. इसके बाद आपको कुछ और छोटे से टॉपिक्स करने हैं जैसे आपके रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया. बिकॉज रेसिडेंशियल स्टेटस इंटर लेवल पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है. इसके अलावा आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड क्लबिंग ऑफ इनकम एंड लास्टली डिडक्शन. तो आप इतने चैप्टर्स को अगर आप कर लो तो एक सफिशियंट है कि आप 45-50 को आप स्कोर कर सकते हो. बिकॉज ये सारे चैप्टर्स को अगर देखा जाए तो आपके अप्रोक्स 70 मार्क्स का वेटेज को कवर करता है. तो आप 70 मार्क्स तो आप यहाँ से आराम से आप कवर कर लोगे सिर्फ इतने चैप्टर्स से. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा अगर आप सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हो, आप बाकी सब्जेक्ट पर अगर आपका फोकस है कि आप वहाँ पर स्कोर अच्छा करो और डायरेक्ट टेक्स आपको इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट टेक्स के केस में आप कर सकते हो कि आप 5 हेड्स आप कंप्लीट कर लो. रेसिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शन, इतना अगर आप कर लेते हो तो सफिशियंट है. आप आराम से आप 40-50 के आसपास आप मार्क्स को आप अचीव कर सकते हो. बाकी सेक्शंस को कैसे याद करना है, बिकॉज अगर आपको 40-50 मार्क्स भी चाहिए तो आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी आपको आना चाहिए. तो मैंने एक अलग से मैंने वीडियो बना रखी है डायरेक्ट टेक्स्ट के सेक्शंस को याद करने के लिए. बिकॉज सेक्शंस इंपॉर्टेंट करती है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए. अदरवाइज आप कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते. तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको आप रेफर कर सकते हो. तो होप सो मेरे कुछ बेसिक गाइडेंस आपको हेल्प करेगी अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हो. मैंने सिलेक्टिव स्टडी इंटर लेवल पर तो नहीं की थी बट मैंने फाइनल लेवल पर काफ़ी सिलेक्टिव स्टडी की है. तो और मेरे सिलेक्टिव स्टडी मोस्टली केसेज मेरे साथ भी बहुत साथ दिया है उसने मेरा. तो होप सो आपका भी साथ दे आपकी सिलेक्टिव स्टडी. तो आप इतने टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर लो. That's it. Thanks. Bye. Take care.